आज मैं यदि किसी से सबसे अधिक नफरत करता हूँ तो इससे। यह न सिर्फ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का कातिल है, वरन कातिल है इन सब का भी। चौदह अगस्त सन 1947 की पूर्णिमा की चांदनी रात को, जिसने अमावस्या की रात ने बदल दिया, वह है इस देश के देशवासियों को जब दीपावली का जश्न मनाना चाहिए था तब खून की होली खेल रहे थे। विभाजन के दंश को जिन्होंने झेला है वे इसे कभी माफ नहीं करेंगे। आज जो हमारी परिस्थितियां और परिवेश है, अगर उसके लिए जिम्मेदार कोई है तो वह है एकमात्र केवल और केवल मात्र एक निकम्मे, नकारे और अय्याश को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विभाजन की आग में इस देश को जिसने झोंक दिया वह था पूरा विश्व जानता है कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी रूपरेखा इस निकम्मे, नकारे और अय्याश ने तैयार की थी। किसी भी देश का कानून ऐसा होना चाहिए कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पूर्व 100 बार नहीं 1000 बार सोचे, और एक बलात्कारी 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार सोचे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सिर्फ उत्तर प्रदेश में सन 2019 में सिर्फ बलात्कार के 32,033 मामले दर्ज किए गए, जबकि हकीकत यह होता है कि अधिकांश मामले दर्ज ही नहीं होते। द हार्ट ऑफ डार्कनेस कहता है कि सिर्फ सन 2015-16 में सिर्फ बाल बलात्कार के 19,765 मामले दर्ज किए गए। अगर इन सब के लिए मैं किसी को दोषी मानता हूं तो वह है सिर्फ ये बलात्कार या बाल बलात्कार। शब्द को सुनते ही अगर आपकी आंखों में खून नहीं उतरता तो मुझे नहीं लगता कि आप मर्द कहलाने के काबिल हैं। डूब मरिए चुडू भर पानी में। आवश्यकता है इस देश को एक ऐसे कठोर कानून की, जब एक बलात्कार करने से पहले एक बलात्कारी 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार सोचे। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने कानून में जो 3 संशोधन किया है वह काबिले तारीफ है, पर इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। आज तक मैं यह निर्णय नहीं कर पाया कि कल दिनांक 15 अगस्त सन 2023 को इनके जाने का मातम मनाऊं या आज़ादी का जश्न। वंदे मातरम।